हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आज हम बात करने वाले हैं बी के बारे में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो भी स्टूडेंट्स सी यू के थ्रू टारगेट कर रहे हैं बी में जाने के लिए तो उनको जो भी डिटेल चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा जो भी कुछ आपके पॉइंट से समझ नहीं आ रहे तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके भी हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली एंड अगर हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तो जो भी सी के थ्रू अगर आप इसमें भी जाना चाहते तो आपको सबसे पहले सी यू टी एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा उसमें अच्छे स्कोर करना पड़ेगा फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हो ओके आगे हम चलते हैं इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहने वाला है कैसे आप फॉर्म फिल करोगे कब इसका एग्जाम होगा क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है वो सारे डाउट्स चीज़ें आपको इस वीडियो वीडियो में मिल जाएंगी तो को थोड़ा अच्छे से देख लें एंड अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई करोगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स चेक करनी पड़ेंगी कैंडिडेट विल बी एवल्स टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड यहाँ पे सीधे सीधे दिखा है कि आ, यहाँ जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा उस ऑनलाइन तो मोड में ही फॉर्म अप्लाई करेगा सबसे पहले सी यू टी एग्जाम देगा द बीच यू टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अप्लीकेशन फ्राम थ्रू सी यू ई टी एग्ज़ाम यहाँ पर ये यह मैशन है विल बी रिलीज फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ फेबररी सी यू टी का एग्जाम दोगे क्वालिफाई करोगे फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर बात करते कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो आपको एक बार चेक कर लेना है उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म विद द डिटेल्स सच एज अ पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड नंबर वगैरह जो भी आप फॉर्म फ़िल करते हो तो उसमें जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह जो भी आपकी फ़िल करनी होगी वो करेक्ट आपको फ़िल करनी है देन आफ्टर फिलिंग द फॉर्म अपलोड द स्कैंड इमेजेस फ़ोटोग्राफ वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो वो आपको करनी पड़ेंगी कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द करेक्ट वैलिड डिटेल्स जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हो वो एक बार वेरीफाई कर लेना सही है या नहीं है क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हो वही आगे चलेगा तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कोई भी अगर रॉन्ग डिटेल्स फिल नहीं होनी चाहिए एंड सबमिट द फॉर्म एंड कीप सेफ जो भी आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद में सबमिट करने के बाद में आपकी रिसीविंग मिलेगी उसको सेव करके रख सकते हो एंड देन अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन की क्या फीस रहने वाली है जब आप बीच अप्लाई कर रहे हो तो देखते हैं एप्लीकेशन फीस सबमिट थ्रू ऑनलाइन मोड अब जो भी एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करनी पड़ेगी किसी भी थ्रू जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यू किसी भी थ्रे जो भी आपको पे करना हो वो आप कर सकते हो एंड बात करते हैं कोर्सेज की तो टू थ्री सब्जेक्ट अगर आप डोमेन में थ्री सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो अगर आप थ्री सब्जेक्ट तक डोमेन में चूज़ कर रहे हो जनरल कैटेगरी से तो जो आपकी फ़ीस लगेगी वो सेवन फिफ्टी लगेगी एंड अगर आप वही ओबीसी कैटेगरी के हो थ्री डोमेन सब्जेक्ट आपने लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट की बात हो रही है वो डोमेन सब्जेक्ट की हो रही है अगर आपने ओबीसी कैटेगरी से हो थ्री डोमे सब्जेक्ट लिए तो आपको सेवन हंड्रेड पे करना पड़ेगा एंड अगर आप ए सी एस सी कैटेगरी से हैं तो आपको सिक्स फिफ्टी ओके अगर आप थ्री डोमिन सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो फिल कर रहे हो अपने सी यू टी के एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी एंड वही अगर आपने सेवन सब्जेक्ट प्लस ले लिए हैं सेवन सब्जेक्ट तक भी ले लिए हैं आपने तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पंद्रह सौ रुपये फ़ीस लगेगी जो ओ बी सी कैटेगरी की उनकी चौदह सौ एंड एस सी एस टी के लिए तेरह सौ फीस अगर आपने सात सब्जेक्ट तक भी ले लिए ना तो ये फ़ीस रहने वाली है पंद्रह सौ चौदह सौ तेरह सौ ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए तेरह सौ फीस रहने वाली है अप तो टू टेन सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है जैसे मैं बताया ना कि आप मोस्टली टेन सब्जेक्ट तक ले सकते हो टेन में क्या रहेगा आप एट डोमेन ले लोगे एक जीटी हो जाएगा एक लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा तो टोटल मिला के टेन हो जाएंगे तो अगर आप एट भी ले रहे हो या टेन सब्जेक्ट तक पहुँच रहा ना आपका टोटल मिला के तो आपका जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका सत्रह सौ पचास लगेगा फ़ीस एंड जो ओबीसी कैटेगरी की उनका सोलह सौ पचास एक मिनट उनका सोलह सौ पचास फीस लगेगा एंड जो एस सी एस टी के स्टूडेंट हैं उनका पंद्रह सौ पचास फीस लगेगा ये फॉर्म फिलिंग का फीस है जब जो वो डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट फिल कर रहे हो कौन सा आपका तो डोमेन चूज कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है एंड अब बात करते हैं बी एच यू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है क्या क्या हम चेक करें उसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे तो हम आगे देखते हैं कैंडिडेट मस्ट फुलफ़िल द जनरल बी एच यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग द फॉर्म जो भी एलिजिबिलिटी का जो भी क्राइटेरिया वो एक बार आपको चेक कर लेना है फॉर्म फिलिंग से पहले जो भी रहेगा अब बी एच यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं सबसे पहले आएगी क्वालिफिकेशन की आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड एज लिमिट एंड परसेंटेज क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई क्लास ट्वेल्थ इंटरमीडिएट फ्रॉम एनी रिकोगनाइज बोर्ड अगर स्टूडेंट ने ट्वेल्थ कर लिया है किसी भी बोर्ड से किया हो तो वो एलिजिबल है फॉर्म फिल के लिए सेकेंड एज लिमिट देयर विल बी नो एज लिमिट नो एज लिमिट क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम यहाँ पर एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है जो भी एज हो आप अप्लाई कर सकते हो बस ट्वेल्थ पास होना चाहिए and third a percentage द क्वालिफाइंग मार्क्स व्यव वेरियस फॉर वेरियस कोर्सेस ऑफर्ड बाई यूनिवर्सिटी विच कैन बी चेकड ऑन द वेबसाइट आप बात करें परसेंटेज की कि जो भी आपने ट्वेल्थ में जितना स्कोर किया उसके अकॉर्डिंग एंड जो आप स्कोर कर रहे हो सी यू टी के एग्जाम में परसेंटेज लेके आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करे यूनिवर्सिटी वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा वेबसाइट पर ही जाके वो एक बार चेक करोगे वो उससे परसेंटेज का पता चलेगा कि, कि लास्ट कट ऑफ क्या था उस अकॉर्डिंग आपको कितना स्कोर किया वो तभी आपको पता चल पाएगा अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डेट की बी के लिए एंड कैंडिडेट कैन चेक द टेबल एक मिनट थ्रू सी यू टी एग्ज़ाम के लिए जो भी एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो रिलीज़ हो जाएंगे फॉर्म कब से फिल होंगे तो so जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेकेंड वीक ऑफ फेबर में स्टार्ट हो जाएंगे सी ू टी के एंड लास्ट डेट ऑफ फुल फिल सी यू टी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फोर्थ वीक ऑफ मार्च मार्च में आपका जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलिंग का है वो फ, आ, लास्ट ख़त्म हो जाएगा लास्ट डेट एप्लीकेशन करेक्शन फैकल्टीज़ एप्लीकेशन में जैसे अगर आपने कुछ भी चीज़ गलत फॉर्म में हो गई है आप उसे करेक्शन करवाना चाहते हो तो वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ही अवेलेबल है उसके बाद अवेलेबल नहीं रहेगा एंड एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ वीक ऑफ मई मई में आपका एग्ज़ाम होगा ओके okay? तो ये चीज़ आपको देख के चलनी है नेक्स्ट बात करते हैं कि बी एच यू कौन कौन से कोर्सेज़ प्रोवाइड करा रही है जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं बी एच यू के लिए कि जो डेली यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ डेली यूनिवर्सिटीज़ है बी एच यू है जामिया है जे एन यू है ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है काफ़ी सारे स्टूडेंट का ड्रीन बी एच यू के लिए भी है क्योंकि वहाँ की क्या काफ़ी सारी चीज़ें फैकेटीज़ अच्छी हैं एंड काफ़ी सारे लोग जाना चाहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है अब बात करते हैं कोर्सेज़ की एंड फीस वगैरह की तो बी एच यू काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं hmm. यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया hmm. है सी यू टी कोर्सेस सी यू टी के थ्र में अंदर मतलब कितने कोर्सेज बी एच यू करवा रही है अगर देखा जाए तो लगभग बी ऑनर्स बी ऑनर्स आर्ट्स सोशल साइंस बी कॉम बी एस सी बैचलर एंड बी एल एल यू वगैरह बहुत सारे कोर्सेज़ है बी एस सी एंड बैचलर के काफ़ी सारे कोर्सेज वो आप इस लेवल में देख सकते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे काफ़ी सारे कोर्सेज सी यू टी थ्रू करवा रहे हैं एंड कट ऑफ़ की बात करते हैं ये राउंड एट है प्रीवियस ईयर कट ऑफ हमने एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जो भी स्टूडेंट का कट ऑफ जैसे बी एस ऑनर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसका जो कट ऑफ़ है 506 प्लस है अगर आपने 500 मान लो अगर आप अभी 510 तक कर लेते हो तो आप इसके लिए अवेलेबल हो एलिजिबल हो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो ओके एंड सेकेंड हम बात करते हैं बी की जो बी करना चाहते हैं कॉमर्स का स्टूडेंट है एंड जो फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट करना चाहता है उसके लिए जो कट ऑफ रहा है वो चार सौ तिरानवे ओके okay? चार सौ तिरानवे तो लगभग आप पाँच सौ तक कर लेते हैं स्कोर तब भी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं ये 2023 का कट ऑफ था हम 2024 के लिए जा रहे हैं तो कट ऑफ तो हमें थोड़ा टारगेट आगे बढ़ा के रखना पड़ेगा तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन भी उस अकॉर्डिंग बढ़ चुका है थर्ड हम बात करते हैं बी कॉम की बी कॉम ऑनर जो भी स्टूडेंट करना चाहता फोर सेवेंटी एट ओके यहाँ पे जो स्टूडेंट ने स्कोर किया था फोर सेवेंटी एट तक अगर कट ऑफ स्कोर किया है सी यू के एग्जाम में तो उसने यहाँ पर एडमिशन लिया था तो आप तब भी आप फाइव हंड्रेड का अपना टारगेट लेके चलो अगर मिनिमम आपका फाइव हंड्रेड आ जाता है तब भी आप इस कोर्स के लिए रिल हो इन बी एच यू ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं बी एस सी ऑनर्स इन जुलॉजी जो भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं जुलॉजी से बी एस सी ऑनर्स करना चाहते हैं तो लास्ट जो किया था उनका जो कट ऑफ रहा है चार सौ पैंसठ रहा है अगर आप चार सौ अस्सी आप टारगेट करोगे तो चार सौ अस्सी प्लस करके चलना है आपको लगभग लगभग पाँच सौ ही करके चलो मिनिमम मिनिमम स्कोर की यहाँ पे बात हो रही है आप 500 तक ही टारगेट लेके चलो फिर आप इस कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे देखा जाए तो डेली यूनिवर्सिटी के लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अब वही हम बात करते हैं पॉपुलरिटी में देखा जाए तो दोनों फेमस है दोनों यूनिवर्सिटी फेमस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ भी रहे हैं एंड कट ऑफ का बात किया जाए तो कट ऑफ अगर कम है तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं आप यहाँ जा सकते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें डेली यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बी एच यू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी सारा डिफरेंस है वो भी हम आपको आगे बता देंगे वीडियो में तो वो आप आगे देख के चलना बी एस सी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस का जो भी स्टूडेंट था उसका जो कट ऑफ था वो चार सौ सत्तावन था लास्ट ईयर 2023 का जो कट ऑफ था चार था फिर भी अगर हम मान के चले तो 480 लगभग लेके चल सकते हैं अगर हम इतना भी स्कोर कर रहे हैं मिनिमम वैसे तो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि हमें जो भी हमारा लास्ट रहेगा उसका हमें 90 परसेंट या 95 परसेंट स्कोर करना है टारगेट हम अपना पूरा लेके चलेंगे बट अगर इनकेस अगर आपका लो भी आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है या फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा आप इस यूनिवर्सिटी में भी अपना एडमिशन ले सकते हो अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो नेक्स्ट बात करते डिसंटिटी बी एस ऑनर्स इन जियोलॉजी जियोलॉजी इसके लिए थ्री फिफ्टी फोर अगर स्कोर किया था तो हम यहाँ पे फाइव हंड्रेड अप्रोक्स मिनिमम हमें स्कोर करना पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर हमने फाइव तक स्कोर कर लिया तो आप एलिजिबल हो कोर्स कोर्स के लिए नेक्स्ट बात करते हैं सी यू टी कोर्सेज़ की कौन कौन से कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रही है क्या फ़ी एक्ट स्ट्रक्चर रहने वाला है कैसे प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड अगर हम बात करते हैं एम ए तो सी यू टी के थ्रू एम ए सेवेंटी फाइव कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं एम ए में जो मास्टर्स करना चाहता है उसके लिए सेवेंटी फ़ाइव कोर्सेज़ हैं बी एस सी के स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो बी एस सी में थर्टी कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं पी जी में सिक्सटी वन कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो सी यू टी के अंडर है बी एच यू की बी एच यू से या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बी एच यू की बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की वो ये कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं अगर हम बी एस सी की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है बहुत ही लो है छह सौ से लेके पैंतीस हजार तक आपकी फीस हो सकती है बी एच यू से अगर आप करते हैं तो एंड यहाँ पे आपके लिए क्या है कि आपका टेन प्लस टू टेन प्लस टू फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना चाहिए एग्जाम में आपको पहले सी यू टी देना चाहिए बोर्ड आपका कोई सा भी हो चलेगा सी बी एस सी बोर्ड से हो या यू पी बोर्ड से हो कोई से बोर्ड से हो वो मैन मैटर नहीं करता है बट आपका जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम का स्कोर है वो फिफ्टी परसेंट प्लस होना चाहिए एंड जो भी सी यू टी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उसके बाद ही आप बी एस सी के लिए एडमिशन ले सकते हो जो भी एम ए का कोर्स है एम एस एम ए तो ग्रेजुएशन के बाद ही होगी ना जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेगा उसके बाद वो पीजी कोर्स के लिए जाएगा तो एम ए है पीजी कोर्स एम ए है पीजी कोर्स तो यहाँ के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है अगर स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में उसका 50 परसेंट प्लस होना चाहिए स्कोर एंड सीयूटी पीजी एग्जाम देना पड़ेगा उसको बीएचयू का पीटी एग्जाम जो होता है एलिजिबिलिटी अटेस्ट होता है वो आपको देना पड़ेगा उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो मैं अभी तो हम बात करें यू जी कोर्सेज़ तो के लिए तो बी के लिए अगर जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसके लिए जो फी का रहेगा सिक्स हंड्रेड से लेके कर थर्टी फाइव थाउजेंड तक की जो रहने वाली है एंड यहाँ पे आपके लिए एलिजिबिलिटी के लिए टेन प्लस टू मतलब ट्वेल्थ क्लास में आपने फिफ्टी परसेंट प्लस स्कोर किया होना चाहिए एंड सी यू टी का एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई करना चाहिए अब हार्ट इज फैम, फैमस बी एच यू फेमस फॉर बी एच यू किसके लिए फ़ेमस है तो काफ़ी सारे बच्चों के लिए डाउट है ये कि क्यों फेमस है बी एच यू में क्यों बच्चे जाना चाहते हैं क्या उसकी फैकल्टीज हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो अगर हम देखा जाए तो लार्जेस्ट रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एशिया अगर बी एच यू की बात करते तो ये एशिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट इन एशिया है बी एच यू हैज़ ओवर थर्टी थाउजेंड स्टूडेंट फिफ्टीन थाउजेंड और सो विच लिव इन कैंपस लगभग तीस हज़ार से ज़्यादा बच्चे कैंपस में रहते हैं यहाँ के बी एच काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है एंड अगर हम बात करें तो सबसे मेन टॉपिक यही है कि इसको एशिया की सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल मतलब रहवासी आवासीय जिसमें हॉस्टल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है वो इंस्टीट्यूट है एंड इसके बाद में काफ़ी सारे नाम से भी इसको काफ़ी सारे कॉलेजेस भी इससे रिलेटेड है काफ़ी सारे फेमस पर्सन भी थे जिनके लिए ये काफ़ी सारे ज़्यादा फेमस है व्यूज से कि भूपेन हजारिका राम मनोहर लोहिया हरिवंश राय बच्चन जैसे काफ़ी फेमस लोगों उन्होंने भी यहीं से स्टडीज़ की है एंड हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन बी हम बी में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट्स हैं हम क्यों करें एंड क्या क्या हमें फैकलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट का डाउट कैंपस यहाँ के कैंपस की अगर बात करते हैं तो यहाँ काफ़ी अच्छा फैकल्टीज़ है, अच्छा है बड़ा इन्वायरमेंट है यहाँ का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है बड़ा कैंपस है है ना आपको रहने की भी फैकल्टीज़ यहाँ पे मिलती है साथ साथ आपको लाइब्रेरी भी मिलती है एंड जो भी वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो जैसे हमने लास्ट पेज पे देखा था कि रेजिडेंशियल मतलब फर्स्ट रेजिडेंशियल इन एशिया मतलब टॉप पर है लार्जेस्ट एशिया एशिया का रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट एंड यहाँ की क्वालिटी की बात करते हैं तो बी के लिए मोस्टली जो क्राउड है जो भी स्टूडेंट्स हैं यूपी एंड बिहार से हैं बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का एंड जो भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे की तैयारी या करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर यहाँ पर कैंपस में अगर जो भी आपकी फीस फीसल साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड प्रोवाइड की जाती है एंड एजुकेशन की तो बात ही क्या है इसमें इतनी फेमस ही है इसलिए काफ़ी अच्छी एजुकेशन क्वालिटी है अच्छे प्रोफेसर है आपको नया इन्वायरमेंट मिलता है कल्चर एंड सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के भी आपको जब आप जाते हो एडमिशन लेते हो तो काफ़ी टाइप के आपको लोग मिलते हैं यहाँ पे जैसे किसी का कल्चर दूसरा है कोई कहीं से है तो काफ़ी सारी चीज़ें आप नई नई चीज़ें सीखोगे तो ये कल्चर सोसाइटी में एंड आपकी भी जो भी अंदर आपके टैलेंट है जो भी आप एजुकेशन से अलग जैसे आपका सिंगिंग पसंद है या डांसिंग है या कुछ और तो वो आप यहाँ से अपना कर सकते हो वो भी आप एक अलग अपना कर सकते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं बी एच काफ़ी प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती है काफ़ी सारे जिसे आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो जॉब भी देखना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में तो वो उसके लिए भी बेनिफिशियल ही रहेगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अभी हाल में ही इंटर्नशिप एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बी ने और जिसका नाम है असरपाली राधाकृष्ण इंटर्नशिप प्रोग्राम द इंटर्नशिप प्रोग्राम विल ऑफ़र अ फिक्स सैलरी ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ टू सेलेक्टेड स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्ट पेड डायरेक्टर सर पल्ली राधाकृष्ण इंटर्नशिप प्रोग्राम टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर करियर चैलेंज जैसे मैंने इंटर्नशिप की बात करी ना तो यहाँ पे उन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि मंथली आपको बीस हजार तक सैलरी मिलेगी पेड इंटर्नशिप रहने वाली है ये आती है डॉक्टर राधा कृष्ण सर पली राधा कृष्ण इंटर्नशिप प्रोग्राम इस नाम से इसे लॉन्च किया गया है जो भी बी एच यू का स्टूडेंट है आगे अपने करियर में ग्रो करना चाहता है या जो भी जॉब के लिए है तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है यहाँ पे बीस हजार मंथली सैलरी रहेगी आपकी वहां से अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं जो भी अपना फ्यूचर में अपना करियर में चैलेंज देखने के लिए एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं बी एच यू प्लेसमेंट कम टॉप यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में बी एच यू का हम प्लेसमेंट देखते हैं अगर हम प्लेसमेंट की बात करें बी एच यू जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया जी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है इसके बारे में भी काफ़ी लोग जानते होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया अगर देखा जाए तो बी एच यू का काफ़ी अच्छा हाइस्ट पैकेज की बात करते हैं अगर एम बी ए का स्टूडेंट है उसको प्लेसमेंट में थर्टी एट एल पी ए का पैकेज मिल रहा है प्लेसमेंट से हाइस्ट अगर एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो फिफ्टीन एल पी ए तक मिल जाता है एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है प्लेसमेंट में भी एंड एजुकेशन क्वालिटी में भी एंड काफ़ी इन्वामेंट भी वहाँ का अच्छा है जब आपके पास में वो डिग्री होती है तो एक उसका अलग ही लेवल होता है एंड अगर हम वही बात करते हैं जामिया मिल् इस्लामिया जो कि डेली की यूनिवर्सिटी है वही जो बी एच यू प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रही है हाइएस्ट पैकेज थर्टी एट का है एंड जा मिल् इस्लामिया का ट्वेंटी फाइव एल पी ए है जो पैकेज है प्लेसमेंट का ट्वेंटी फ़ाइव एल पी है एंड एवरेज पैकेज की बात करते हैं यहाँ पर पंद्रह लाख का है तो यहाँ पे आठ लाख का है ठीक है एंड अन्ना यूनिवर्सिटी है यहाँ का जो पैकेज है वो थर्टी सिक्स है लगभग इससे थोड़ा कम है एंड जो एवरेज पैकेज की बात करते हैं वो छः लाख तक का है एंड जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है इसका पैकेज है एट्टी फ़ाइव एल पी है एंड एवरेज पैकेज है टेन एल पी है ये बी टेक के लिए है ओके एंड ये आपके प्लेसमेंट की बात हो गई कि क्या प्लेसमेंट बी एच से प्रोवाइड होते हैं तो प्लेसमेंट अगर हम रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखा तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है बी एच इसमें आपके करियर के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं साथ साथ एजुकेशन क्वालिटी भी आपको मिल रही है स्कॉलरशिप भी मिल रही है जिससे कि आपके पेरेंट्स को भी इतनी टेंशन नहीं होगी इतना बर्डन नहीं आएगा एंड साथ आपकी जो एजुकेशन का लेवल है वो भी एक अलग होता है आप काफ़ी सारी चीज़ों को सीखते हैं वहाँ से एंड उसके बाद में आप प्लेसमेंट भी मिल रही है है ना तो बहुत अच्छा है काफ़ी सारी चीज़ों से अगर देखा जाए एन आई आर एफ ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग इसको टॉप फाइव मतलब यूनिवर्सिटीज़ में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में फाइव रैंक पर आई है ये ये उसका सर्टिफिकेट है एन एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो यूनिवर्सिटीज़ को रैंक देती है तो उसमें ये फाइव रैंक पे है ओके एंड uh, जो भी स्टूडेंट अगर जाना चाहते हैं बीएचयू के लिए कर रहे हैं बेस्ट है तो अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो मैंने कि पहले आपको सी का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा सी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो अच्छे से मेहनत करो जम के मेहनत करो और बी का भी इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है बाहर से पढ़ते हो तो अच्छा ही है आपके लिए भी वो किसी स्टूडेंट की ड्रीम यूनिवर्सिटी से डेली यूनिवर्सिटी है बीएचयू के लिए तो जो भी डाउट्स थे क्वेरीज थी आई थिंक इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो गई होगी कि कब से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा क्या क्या चीज़ों को फिल करना पड़ेगा वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए ओके अब अब लास्ट में मतलब यही है कि आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एंड अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी लाइव क्लासेस भी मिलेंगे जिसमें आपके डाउट सेशन भी सॉल्व किए जाएंगे एंड जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएंगी इसके लिए आपको बस क्या करना है आपको मॉड्यूलेशन टू पॉइंट ओ मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा वहां से जाके आप सी यू टी कोर्स में इनरोल कर सकते हो एंड अभी अभी दिवाली ऑफर लगा हुआ है इसलिए आप अच्छा भी ले लोगे कोर्स के ऊपर तो आप अच्छा, अभी इनरोल कर लो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है हमारे पास में इसलिए आपको तैयारी भी कवर करके भी चलनी पड़ेगी क्योंकि आपको सिलेबस भी कम्प्लीट करना है कोर्स भी कम्प्लीट करना कुछ ट्वेल्थ के भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं सी की तो उनको बोर्ड के साथ साथ बोर्ड के साथ साथ उनको सी यू भी ध्यान देना है तो आपको टाइम बहुत कम है आप कोर्स कर लोगे तो से आपका जो भी है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा फिर आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है मॉक भी देने, है, भी देने है, प्रैक्टिस भी करनी है तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप कोर्स इनरोल कर ले एंड अपनी तैयारी को अच्छे से करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू